गुड मॉर्निंग। आज के इस ब्लॉग में आप सभी को वेलकम है। जैसे कि मैं आपको सभी को बता दूं कि 15 अगस्त चल रहा है और मेरे पास मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं और ये काम बहुत ज्यादा है। और आप सब जो है किस तरीके से काम निकालते हो, बाकी मैं अकेला हूँ। ये देखो इसमें 2 पॉइंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक ये 20 आइटम है सीने के लिए। और मेरे पास आज 12 तारीख है, तो 12, 13, 14 3 दिन है सीने के लिए मात्र। अकेला यार काफी ज्यादा परेशान हूँ। और आप सब जो है किस तरीके से काम निकालते हो कमेंट करके जरूर बताना है, किस तरीके से आप लोग काम करते हो और निकालते हो। और अभी जो है मुझे यह अकेला काम करना है, क्योंकि मैं बता दूं आप सभी, कारीगर वर्कर मैं छोड़ चुका हूँ। लगन आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मैं अभी ज्यादा फोकस दे रहा हूँ वीडियोस पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं इस पे कम ध्यान दे रहा हूँ, बट दुकान है तो छोड़ नहीं सकते ना। लगन में देखा जाएगा किसी कारीगर को हायर किया जाएगा, तो ऐसे मैं सोचा कि चलो आज वर्क कर, तो अभी काटना है 2 सेट और देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, काफी ज्यादा आप सभी को नॉलेज मिलते रहेगा। तो इस ब्लॉग का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को कुछ हेल्प मिल सके, मेरे जरिए कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो अभी जो है मैं पेस्टिंग और स्टिचिंग कर लिया। जैसे कि मैं अभी पैंट सिला हूँ और ये घंघरी सिल रहा था, जब तक टाइम हो गया नमाज का। टाइम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। अजान पड़ चुका है, तो चलिए चलते हैं नमाज पढ़ने। और आज जुमा है, तो आप सभी को जो है जुमा मुबारक। और नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं आज। और भाई 3 दिन के अंदर में मुझे बहुत सारा काम करना है, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जो है नमाज पढ़ के आ गए और अभी घर आ गए, लंच करेंगे, फिर लंच के बाद जो है दुकान पर जाएंगे। अभी जो है घर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम आ चुके हैं शॉप पे नमाज पढ़कर, और देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। और ये घंघरी रहा जो छोड़ के गए हुए हैं। और शुभ के दिन जो है टाइम तो लॉस होता है, और यही टाइम लॉस की वजह से कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। शायद हम देखे हुए हैं, तभी 2 बज रहा है, तब मैंने 12:30 में किया था। देख सकते हैं कितना समय लॉस हुआ, कुछ समय लॉस नहीं होता है। और जो है मोटिवेशन हो जाता है और जुनून आ जाता है कि इतना लेट हो चुका है और काम करना है, और स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो काम करना हो कर ले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नमाज है या चाहे जो भी काम है ना, उसको कर ले। उसके बाद जो है काम करने का जो जुनून होता है ना, बढ़ जाता है कि लेट हो चुका है, और काम करते करते मेंटेन हो जाता है। और कभी कभी जो है लेट हो जाता है, बाय द वे आपका सिचुएशन देखना चाहिए। कभी कभी मैं भी ऐसा सिचुएशन में फंस जाता हूँ कि कभी कभी मैं भी मिस कर देता हूँ नमाज। तो हमेशा नहीं करता हूँ, कभी कदार इमरजेंसी केसेस में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ूँ। तो चलिए वर्किंग को चालू करते हैं। और आप सब किस तरीके से काम करते हो कमेंट करना, ताकि मुझे भी कुछ अनुमान चलेगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:15, और अभी ये देखो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो जा रहा है सदाम फैशन डिजाइनर पे, और पैंट का कटिंग और स्टिचिंग दोनों है। तो आई होप ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख लेना, क्योंकि ये वीडियो एक दिन बाद आपको ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। और अभी जो मैं कटिंग जो किया था सुबह में दिखाया था, उसको मैं पेस्टिंग करके सिलाई किया हूँ। 3-4 पीस सिलाई हुआ है, अभी मेरे पास 2-3 और है। तो शुक्रवार था, तो ऐसे ही समय पास हो गया 3-4 घंटा। और स्टाफ जो है, जो चेला है, जो इसको हम कटिंग सिखा रहे हैं, उसको भी अभी कटिंग फुलवा कर सिलवा रहे हैं, ठीक है, ताकि सिला जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप अभी जो है सब सिलकर फिनिशिंग कर चुके हैं, और टाइम हो रहा है 7:15, तो अभी से भी कुछ हम काम कर सकते हैं, यानी कि 1-2 पीस तो काम कर ही सकते हैं। तो टाइम नहीं गवाते हुए चलिए करते हैं काम। और आप सब जो है ज्यादा काम हो जाता है तो किस तरीके से निकालते हो अकेला, ठीक है। जैसे कि एक वह है वर्कर तो नहीं है, तो किस तरीके से काम निकालते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस ब्लॉग में आपको सबसे कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग मैं साथ रहा करो, खुश रहा करो।